दोस्तों, फुलका रोटी किसको खाना नहीं पसंद होता है, लेकिन फुलका रोटी बनाने का भी बहुत ही अच्छा आइडिया होना चाहिए। नहीं तो इस तरीके से डब्बे जैसी रोटियां नहीं फूलती हैं। क्यों नहीं फूलती हैं? आज हम आपको एक ऐसा छोटा सा टिप्स बताएंगे, इस टिप्स को अपना करके आप टेस्टी और फूली फूली एकदम बहुत ही मुलायम रोटी बना सकते हैं। इसके लिए आप जब भी चपाती के लिए आटा गूंथें तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। अगर आप आटा गूंथ रहे हैं, गूंथते समय उसमें नमक मिला करके तब गूंथें, उस आटे की रोटी बहुत ही अच्छी होती है, मुलायम बनती है और फूली फूली एकदम फुलका रोटी बनती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, क्या कीजिए, आटा गूंथने के बाद आप जब रोटियां बनाएं तो आपको एक टिप्स फॉलो करना है। आप आटे में नमक डाल तो देंगे, डालने के बाद 15 मिनट के लिए आटा वैसे रख दीजिए, तो आटा जो होगा वो अच्छे से सीज जाएगा, यानी कि अच्छे से वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेगा, तब आपकी रोटियां बहुत ही अच्छी बनेंगी और बहुत ही टेस्टी बनेंगी और काफी मुलायम बनेंगी। अगर आप रोटियों को एक तरफ हल्का सा ज्यादा पका देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये रोटी नहीं फूलेगी। आप तवे पर डालिए, उसके बाद थोड़ी ही देर में ये देखिए रोटी हमारी एक तरफ पक चुकी है, इसे पलट दीजिए, तब आपकी रोटी फूलेगी बहुत ही अच्छे तरीके से, नहीं तो रोटी नहीं फूलती है। और आप जब भी रोटी को बिलाएं, यानी कि बेलें, बेला से हल्के हाथों से ही बेले, तब आपकी रोटी तब भी काफी हद तक मतलब फूलेगी। अगर आप बेलन को दोनों हाथों से दबा करके बेलेंगे तो वो रोटी नहीं फूलेगी। दोस्तों, रोटी बनाने के यह टिप्स आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टिप्स अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। चलिए चलते हैं हम अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स भी हमारे आटे को ही लेकर है। जब भी हम आटा गूंथे पूड़ियों के लिए, पूड़ियां बनाने के लिए अगर आप आटा गूंथे तो उसमें थोड़ा सा चीनी मिला दें। एक चम्मच अगर आप चीनी मिला देंगे तो आपकी पूड़ियां बहुत ही फूली फूली बनेंगी और वह कम तेल सोखेंगी और पूड़ी भी टेस्टी बनेगी। आई होप कि आपको यह पूड़ी वाला भी टिप्स पसंद आया होगा। पूड़ी को बेलने के बाद जब भी आप पूड़ी बेलें तो बेल करके 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, इससे भी पूड़ियाँ बहुत ही अच्छी फूलती हैं और बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती हैं और इसके अलावा तेल कम सोखती हैं। इन्हीं छोटी छोटी टिप्स को अपना करके आप अगर भोजन को पकाएंगे तो आपका भोजन एकदम लाजवाब बनेगा। और दोस्तों, रोटी को कैसे तवे पर फुलाया जाता है, इसे दो बार की जगह दो तीन बार इस तरीके से फुलाना होता है, यानी कि पलटना होता है, और उसके बाद एक रोटी या दो रोटी रख करके ऐसे दबा देना होता है। इससे भी रोटियां काफ़ी हद तक फूल जाती हैं और बहुत ही अच्छी फूलती हैं। इस तरीके से बनी हुई रोटी और भी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन किसी किसी को नहीं पसंद है, किसी किसी लोगों को नहीं पसंद होता है तवे पर रोटी फुलाए हुए, वो लोग बोलते हैं कि कच्ची रह जाती है, लेकिन इस तरीके से आप तवे पर आसानी से फुला सकते हैं। आई होप कि आपको यह आटा वाला टिप्स पसंद आया होगा। टिप्स पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। चलिए चलते हैं हम अगली टिप्स की तरफ। दोस्तों, अगला टिप्स भी हमारा इस तरीके के आटे को लेकर के है। आटा जब भी हम चक्की से पिछवा कर लाते हैं, उसके बाद इस तरीके के कंटेनर में, स्टील के डिब्बे में या फिर प्लास्टिक एयर टाइट कंटेनर में भर करके रख देते हैं, तो होता यह है कि बहुत ही जल्द, ठंडी के सीजन में तो महीना दो महीना चल जाता है, लेकिन गर्मी के सीजन में 15-20 दिन में ही आटा में कीड़ा लगने लगता है। तो कीड़ा ना लगे इसके लिए क्या किया जाए, आटे में मॉइस्चर ना जाए इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए आज हम आपको एक छोटा सा टिप्स बताएंगे। इस टिप्स को अपना करके आप अपने आटे को एकदम सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, आप जब भी आटा कंटेनर में रखने लगो तो सबसे पहले आप नीचे तली में एक न्यूज़पेपर बिछा दीजिए, उससे ये होगा कि जो भी मॉइस्चर होगा वो, जो न्यूज़पेपर होगा वो अब्जॉर्ब कर लेगा
और आपके आटे में मॉइस्चर बिल्कुल नहीं आएगा, जिसके कारण से कीड़े नहीं लगेंगे। और इसके अलावा आप इसे जब भी निकालें हाथों से या फिर इसमें कोई कटोरी डाल दीजिए, उससे निकालिए जो कि सूखा हो, गीला बिल्कुल ना हो, तब भी आपके आटे में मॉइस्चर नहीं लगेगा। इसके अलावा कीड़े ना लगे तो उसके लिए हम ट्रिक्स बताते हैं। आप जब भी आटा डालने लगो कंटेनर में तो आप इस तरीके से तेज पत्ता, दो तीन तेज पत्ता नीचे, दो तीन तेज पत्ता बीच में, दो तीन तेज पत्ता ऊपर, इस तरीके से डाल दीजिए। यह तेज पत्ता बहुत ही अच्छा काम करता है या सुगंधित होता है। इसकी सुगंध जो होती है वो कीड़ों को बिल्कुल भी नहीं पसंद होती है। आप अगर इसे डाल देंगे तो आपके आटे में बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे। आई होप कि आपको टिप्स पसंद आया होगा। टिप्स पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। वीडियो कैसा लगा? आज का सारा टिप्स आपके आटे से रिलेटेड, रोटियों से रिलेटेड, पूड़ी से रिलेटेड है। टिप्स आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे इस चैनल की अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।